कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना, राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के जय हो, ताली बजा के गाइए प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। हे कृष्ण, संसार में वे कौन से लोग हैं जिनको शांति की प्राप्ति होती है? शांति बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य को संपत्ति मिल जाती है लेकिन शांति नहीं मिलती। ये शांति न तो पैसे से मिलती है, न तो उधार मिलती है, न धनवान होने से मिलती है, न गरीब होने से मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति शांति की तलाश करते करते धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसके जीवन में चार बातें होती हैं उसको शांति की प्राप्ति होती है। विहाय कामान्यः सर्वान्न पुमांश्चरत निष्प्रह निर्ममो निरहंकार सह शांति अधिगच्छति। इसकी व्याख्या भी थोड़ी देर में हम करेंगे। दूसरा प्रश्न संत कबीर से पूछा गया, वे कौन से लोग हैं जो लोग संसार में दुख के आने पर भी दुखी नहीं होते? जिनको दुख व्यथित नहीं कर पाता है उनमें क्या विशेषता होती है?
संत कबीर कहते हैं, वे लोग विचारवान होते हैं, प्रत्येक परिस्थिति में विचार कर लेते हैं। करहु विचार जो सब दुख जाई, और उनका सब दुख समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न, रामचरितमानस में शिव जी से भवानी जी ने पूछा है, वे कौन से लोग हैं जो मनुष्य के रूप में राक्षस होते हैं। देखने में तो मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन वे राक्षस से कम नहीं होते। उनके क्या लक्षण होते हैं? शिवजी, ये बाल कांड का प्रसंग है, पार्वती जी को समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? खाई कबाब शराब सरोजा, निश दीन पर ना रिनी कहाँ खोजा। कबाब जो खाते हैं यानी मांस खाते, बकरा खाना, मुर्गी खाना, बिल्ली खाना, चूहा खाना, विश्व में एक ऐसा देश है वहां के लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो चूहा खाती हैं, यहां भी हो सकती है, यहां के बारे में पता नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सांप खाते हैं। तुम सांप से डरते हो, वे सांप को ऐसे पकड़ते जैसे मूली पकड़कर खाते। तो जो मांस खाते हैं, सरोजा माने जो अंडा खाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अंडे में जीव नहीं होता है, जीव के बिना अंडा विकसित भी नहीं हो सकता है, जीव तो उसमें भी है। जीव नहीं होगा तो अंडा बनेगा भी नहीं। जब अंडा को तुम उबालते हो तो उसके भीतर जो जीव है तड़फ तड़फ कर अंडा मर जाता है, जीव निकल जाता है। बहुत बड़ा पाप लगता है, मांस खाना पाप है। शराब जो पीता है उसको शिव जी कहते वो राक्षस होता है। खाई कबाब शराब सरोजा, भारत देश में भी शराब बहुत पी जा रही है, देसी शराब, विदेशी शराब, ठंडी बियर, महा ठंडी बियर, होइस्की, एरिस्टोक्रेट, बैग पाइपर कंपनी, तरह तरह की शराब है। और जो लोग शराब पीते हैं इसलिए पीते हैं कि शराब पीने से चिंता समाप्त हो जाती है, और शराब पीने से चिंता तो नहीं खत्म होती लेकिन धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाते हैं।
चिंता करने वाला खत्म हो जाता है, चिंता नहीं खत्म होती। तुम सोचते हो कि मैं शराब पीता हूं, सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि शराब तुमको पी जाती है। शराब तुम्हारा धन पी जाती है, शराब तुम्हारा मान सम्मान पी जाती है, शराब पैसे को पी जाती है, शराब तुम्हारे शरीर को पी जाती है, शराब तुम्हारी इज्जत को पी जाती है, शराब तुम्हारे टाइम को भी पी जाती है। शराब तो आज भी जिंदा है, लेकिन शराब पीने वाले जिंदा नहीं है। शराब पीने वाले मर गए, पर शराब तो आज भी है, शराब आपको मारती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता है, और ज्यादा बुद्धिमान है तो चाय भी नहीं पीता है, और थोड़ा कम बुद्धिमान है तो चाय पी लेता है, शराब नहीं पीता है, और बहुत बुद्धू है तो शराब भी पीता है। शराब नशा है खराब, झन पीहू शराब, छत्तीसगढ़ में कहावत है। पीना है सत्संग का नशा कीजिए, आपके ऊपर सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए। आज एक सज्जन गुरु के चरणों में शराब छोड़ना चाहते हैं। चीतर सिंह नाम है, शराब छोड़ने की इच्छा है। इसमें ऐसे कितने लोग जो शराब नहीं पीते, हाथ ऊंचा उठाओ, नीचे कर लो। ये महिलाओं ने हाथ नहीं उठाए, सब पीती हैं क्या? ये सब बहुत पियक्कड़ है, कोई हाथ ही नहीं उठाया। मैं ऐसा बोला था, जो शराब नहीं पीते वो हाथ उठाओ, तो पुरुषों ने तो उठा दिया, इन्होंने नहीं उठाया। ये घर ही में बनाती पीती है, ये तो कोई पीती ही नहीं, ये नहीं पिएगी, समझदार है, ये शराब नहीं पीती है। इसको तो बिना शराब पिए ही उतना नशा रहता हर समय। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, ए फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। शराब कृष्ण भगवान के परिवार के लोग, 56 करोड़ यादव शराब पीकर नशे में आपस में युद्ध करके मर गए थे, नदी में डूब गए थे। 56 करोड़ यादवों को ये शराब मार सकती है। रावण भी शराब पीता था,
कुंभकर्ण भी शराब पीता था, मेघनाद भी शराब पीता था, भगवान श्री राम शराब नहीं पीते थे, सत्संग का अमृत पीते थे। वे लोग सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग का अमृत पीते हैं। सत्संग से ज्ञान बढ़ता है, समझ बढ़ती है, विवेक आता है, और जिसके पास में विवेक है और संतोष है वो व्यक्ति बहुत सुखी रहता है। संतोष सुख का दूसरा नाम है, संतोष। सेठानी घर में हलवा तल रही है, देसी घी में हलवा तला जा रहा है, दूर तक खुशबू जा रही है, सड़क पर निकलने वालों को भी हलवा की खुशबू मिल रही है, उनको भी पता चल रहा है कि अंदर कुछ तला जा रहा है। और जिस चीज की खुशबू मिले तो खाने का भी मन होता है कि हमको भी मिले एक कटोरी हलवा। तो सड़क पर एक महात्मा जा रहा है, वो महात्मा उस सेठानी के द्वार पर रुक गया, तो उसने देखा तो अचंभा लगा कि सेठ बैठा रो रहा है और सेठानी घर में देसी घी में हलवा तल रही है। देसी घी में हलवा तभी तला जाता है जब कोई प्रकार की खुशी होती है, और रोया तभी जाता है जब किसी प्रकार का दुख होता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो न खुल करके रोता है न खुल करके हंसता है। बचपन में तो तुम खुल करके रोते थे और खुल करके हंसते थे इसलिए बीमार नहीं होते थे, अब जवान हो गए अब तुम न खुल करके हंसते हो न खुल करके रोते हो, हंसते भी हो तो चुपके चुपके थोड़ा खीसे काटते हो बस हंस देते हो, और रोते हो तो अंदर अंदर चुपके चुपके रोते हो, क्योंकि इज्जत का सवाल है, कोई क्या कहेगा, ये डर लगता है। महिलाओं को इस बात का डर कम होता है, ये चौराहे पर भी रो सकती है। अभी यहां पर जब मैं कोई बात कहता हूं तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं चार गुना ज्यादा हंसती है, पुरुष कम हंस पाता है, और हंसता वही नहीं जो ज्यादा फंसता है। तुम्हें हंसी क्यों नहीं आती? क्योंकि मन कहीं फंसा हुआ है, माया मोह सब ज्यादा है। और ये हंसती क्यों है? क्योंकि ये फंसती नहीं है जल्दी, ये निर्मल रहती है, जहां रहती है वही रहती है। ये सत्संग में बैठ जाती है माँ तो घर की याद उसे भूल जाती है और सुनती रहती है। मैं यहां देखता हूं कि बीच बीच पुरुष उठ उठ के जाता है लेकिन महिला पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है, घर की चिंता ज्यादा नहीं, घर जाने दो भाड़ में, जब शाम को चलेंगे देख लेंगे, पुरुष को टेंशन रहती है। कितने पुरुष तो यहां से निकलने के बाद उधर अपनी पत्नी को फोन करते हैं, तू वहीं बैठी है, निकल कर बाहर आ। खुल करके हंसोगे, खुल करके रोओगे तो शुगर की बीमारी नहीं होगी। बीपी आपका हाई लो नहीं होगा, पैरालिसिस लकवा नहीं होगा, और हार्ट अटैक नहीं होगा। इसलिए महिलाओं का हार्ट अटैक बहुत कम होता है, बहुत कम। क्या इनके हार्ट है? नहीं, हार्ट है पर अटैक नहीं होता है। पुरुषों का हार्ट अटैक बहुत होता है,
क्योंकि ये ठहाका मार कर हंसते नहीं और फूट फूट कर रोते नहीं। आज से संकल्प लो, महीने में दो बार ठीक से रोया करो। और रोना ना आता हो तो अपनी वाइफ से सीख लिया करो। और दिन भर में 5-6 बार जोर से हंस लिया करो। हंसना तो ज्यादा चाहिए। आप घोड़े को देखते हैं, घोड़े की पीठ पर आदमी बैठता है तो भी घोड़ा बीच बीच हंसता है, हंसने से घोड़े को थकान नहीं आती है, हंसने से भूख लगती है, हंसने से ताजगी रहती है। इसलिए घोड़ा को कभी सुस्त नहीं पाओगे, हमेशा चंगा रहता है। तुम भी हर घंटे में ही कर लिया करो। कितने लोग तो ऐसे मैंने देखा है जो 5-5 साल हो गए अभी ही किए नहीं, हंसते नहीं। हंसना स्वास्थ्य की चाबी है। तुम सोचो कि ये दुनिया के झमेले सब खत्म हो जाए तब हंसेंगे, ये झमेले खत्म नहीं होंगे तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारे बाप खत्म हो गए, झमेले खत्म नहीं हुए। बाप के बाप खत्म हो गए, उनका झमेला खत्म नहीं होगा। झमेला तो तब तक रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी, और तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी, झमेले बने रहेंगे। वो झमेला तुम्हारे बाप झेलते रहे, वो मर गए तुम झेल रहे हो, तुम मर जाओगे तुम्हारे बेटे झेलेंगे। ये तो झमेला सबको झेलना ही झेलना है। झमेले के बीच में हंसना सीखो और कांटों के बीच में गुलाब जैसे खिल करके जीना सीखो। और दिन भर में जो 4-5 बार ताली बजा लेता है, जैसे कभी कभी आप बात करते हो ना, कुछ ऐसी मजेदार बात आ जाती, ताली बज जाती है ना, बजती है कि नहीं? ऐसा ताली बज जाए, बीमारियों का अंत हो जाएगा। चौबीस घंटे में 2-5 बार ताली भी बजाया करो, जोर जोर से बजा दिया करो। अभी बजा के दिखा सकते हो। लगता है तुम लोग जिंदा ही हो अभी। क्योंकि मुर्दे ताली नहीं बजाते हैं, जिंदा लोग ही बजाते हैं। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, वह किचन किचन नहीं जिसमें बेस्ट क्वालिटी की थाली ना हो, और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली ना हो, और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शाला साली की बात आ गई। आज सवेरे सवेरे सब लोग दर्शन करने आए तो जिनके भवन में मैं ठहरा हूँ, श्री राम गोपाल पाटीदार साहब, बहुत बड़ा भवन है, 185 फीट लंबा और 55 फीट चौड़ा है, नया भवन। और दूसरा भवन है वो उससे भी बड़ा है, 3 मंजिल है, हमारा वाला तो 1 ही मंजिल है। तो वे सबको दर्शन करा रहे थे, सबको बता रहे थे ऐसा परिचय। फिर जब उनकी शाली आई तो उसका जब परिचय दिया तो राम गोपाल पाटीदार भी गदगद हो गया कि मेरी शाली।
वृद्धावस्था है लेकिन चेहरे पर चमक आ गई। शाली के साइड में खड़े होकर बताया, ये मेरी पत्नी से उसकी छोटी बहन है, मेरी शाली है। ये रिश्ते बड़े मधुर होते हैं, ये रिश्ते गंदे नहीं होते, मधुर होते। सासू ससुर, साली, दूल्हा दुल्हन, बहू लाड़ी लाड़ा, भैंस का पाड़ा। कुछ लाड़ा तो ऐसे है, भैंस का पाड़ा ही है, पड़ा रहता है, काम नहीं करता है। साहिब बंदगी साहिब, बड़ी विचित्र बात है। जो लड़की एक बार लाड़ी बनती है, कितनी उम्र उसकी हो जाए, जिंदगी भर उसको उसके सास ससुर उसको लाड़ी ही कहते हैं। लेकिन कोई लड़का विवाह होता है तब लाड़ा बनता है, और विवाह के बाद फिर उसे कोई लाड़ा नहीं कहता है, फिर तो लाड़ा लाड़ा खत्म हो जाता है। इसलिए लाड़ी को बहुत लाड़ प्यार से रखना चाहिए। तीन चीजें बहुत कोमल होती हैं, एक तो स्त्री, दूसरा फूल और तीसरा गुरु। ये तीनों को बहुत प्रेम से कोमलता से रखना चाहिए, स्त्री फूल और गुरु। फूल को जोर से दबा दोगे कुचल जाएगा, स्त्री को ज्यादा टाइट कर दोगे मर जाएगी, और गुरु को ज्यादा परेशान कर दोगे तो सिकुड़ जाएगा, फिर वो प्रवचन नहीं सुना पाएगा, उसको खुश करना पड़ता है। ये तीन चीजों को याद रखना, साहिब बंदगी साहिब बंदगी। तो खाई कबाब सराबे सरोजा, निशे दीन परे ना रिनी कहाँ खो जा। तो सेठानी देसी घी में हलवा तल रही है, यही कहानी थी ना। हाँ, ये कहानी सुना। सेठ द्वार पर बैठा हुआ रो रहा है। सबके बीच में रोना बहुत हिम्मत का काम है, अकेले रोना कोई भी रो सकता है, अकेले अकेले रोना कोई हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन सबके बीच में रोना वास्तव में कोई बहादुर व्यक्ति ही रो सकता है। रोने से जो आंसू बहते हैं, आंसुओं में जो खारापन है, वो ऐसा केमिकल है जिससे कि भीतर की बहुत बीमारी टॉक्सिन निकल जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए रोना भी जरूरी है।